Hey guys, what's up everybody? It's me Shine and welcome back to my new video. So guys, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिस टिप्स को फॉलो करके आप एक बढ़िया सा हेयर स्टाइल पा सकते हो एंड जो हेयर स्टाइल आपके फेस के हिसाब से एकदम परफेक्ट होगा एंड गाइस आपके लुक्स को भी ओवरऑल और भी बेटर कर देगा। तो गाइस आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक प्लीज देखना एंड वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लास्ट में लाइक करना एंड कुछ भी बात है तो कमेंट्स पे लिख सकते हो। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस फर्स्ट टिप है कि आप अपने हेयर कट करवाने से पहले अपने फेस शेप को देखिए एंड अपने फेस शेप के हिसाब से एक बढ़िया से हेयर स्टाइल आप चॉइस कीजिए। बट बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई सेलिब्रिटीज का या फिर कोई मॉडल का पिक्चर ले लेते हैं एंड सैलून में जाके बोलते हैं कि भैया ऐसा हेयर कट करवा दो, बट वो हेयर स्टाइल आपके फेस के लिए एकदम है ही नहीं एंड आपके हेयर के लिए भी है ही नहीं, आपका हेयर थिन है ठीक है। तो उस हिसाब से हर एक का हेयर स्टाइल अलग होना चाहिए। तो आपको पहले ये जज करना है कि आपका फेस शेप कौन सा है, देन आप फेस शेप के हिसाब से एक परफेक्ट हेयर कट कर सकते हो। तो गाइस आप जानते हो कि आपका कौन सा फेस शेप है तो आप उस हिसाब से गूगल में सर्च कर सकते हो कि ओवल फेस शेप के लिए कौन कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट है या फिर राउंड फेस शेप के लिए कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट है या फिर डायमंड फेस शेप के लिए कौन सी हेयर कट बेस्ट है। तो गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, देन आप वहाँ से सिलेक्ट करके अपने फेस के हिसाब से सिलेक्ट करके देन हेयर कट करवाएंगे तो आपका हेयर आपके फेस के लिए एंड आपके लुक्स के हिसाब से बहुत परफेक्ट लगेगा। तो इस नेक्स्ट टिप से आपको अपने हेयर टाइप देखना है कि आपका हेयर किस टाइप के, थिन है, थिक है एंड कार्ली है, स्ट्रेट है, कौन सी टाइप के, तो आपको देखना है देन आपको हेयर स्टाइल चॉइस करना है। तो ये आपके फेस शेप के हिसाब से तो चॉइस करना ही है एंड आपको हेयर पे भी ध्यान देना है कि आपका हेयर उस हेयर कट के लिए परफेक्ट है कि नहीं, देन आपको हेयर कट चॉइस करना है। जैसे कि आपका हेयर बहुत ही ज़्यादा थिन है, पतला है, तो आप ऐसा साइड फेड हेयर कट करोगे तो आपका हेयर बहुत ही ज़्यादा थिन लगेगा और भी पतला दिखेगा। तो आपका हेयर थिक है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो हेयर टाइप के ऊपर एकदम ध्यान देना है एक परफेक्ट हेयर कट करने से पहले। तो इस नेक्स्ट टिप से आप जब सैलून पे जाते हो तो आप बार्बर को कुछ भी नहीं बोलते कि ऐसे कटो या फिर कुछ भी आप डिटेल्स नहीं बताते हो, तो वो क्या करते हैं कलम को बहुत पतला कर देते हैं। कलम मतलब ये पोर्शन जो होता है इसको बहुत पतला कर देता है एंड ईयर के पीछे से जो हेयर होता है उसको भी बहुत ऊपर से कट कर देता है। तो इससे आपका हेयर स्टाइल जो है एकदम बकवास हो जाता है। तो आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपका कलम जो है थोड़ा चौड़ा रखना है एंड आपके यहाँ पर बियर्ड रखते हो तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा चौड़ा रखना है। बट आप इतना थिन भी करते हो, अपने हेयर को फेड भी करते हो, तो भी आपको थोड़ा चौड़ा रखना है, एकदम स्लिम नहीं करना है। तो एकदम पतला करोगे तो बहुत वो बकवास दिखेगा एंड ईयर के पीछे जो हेयर होता है इसको भी ज़्यादा ऊपर नहीं कटना चाहिए, आपको ईयर के एकदम साइड से ही कट करना चाहिए। तो गाइस ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे तो आपका हेयर स्टाइल जो है एक परफेक्ट हेयर स्टाइल बनेगा। एंड गाइस आप एक हाई वॉल्यूम हेयर स्टाइल करते हो या फिर थोड़ा सा भी वॉल्यूम देते हो अपने हेयर पे, मेरे जैसा भी हेयर स्टाइल करते हो, तो आपको फ्रंट हेयर पे जो है थोड़ा सा पीछे के हेयर से फ्रंट हेयर थोड़ा लॉन्ग रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है अब जब फ्रंट हेयर भी छोटा कर दोगे तो ये थोड़ा स्पाइकी सा लुक लगेगा एंड पीछे का उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको पीछे का हेयर जितना लेंथ रखना है उस हिसाब से फ्रंट का लेंथ थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या होगा आपके फ्रंट पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा एंड पीछे का जो स्मॉल हेयर है वो इसको सपोर्ट देगा इसको वॉल्यूम लाने में। क्योंकि बहुत सारे बंदे मेरे को इंस्टाग्राम एंड एफबी पे पूछते कि भैया मेरे हेयर पे वॉल्यूम नहीं आता है तो मैं क्या करूँ। तो ऐसा ही है कि आप लोग हेयर कट जब करते हो तो उतना ध्यान नहीं देते हो हेयर कट के ऊपर, तो आपको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए हेयर कट करते टाइम कि आपके फ्रंट के हेयर पीछे के हेयर से थोड़ा लंबा होगा एंड वो हेयर जब पीछे का हेयर जब शॉर्ट रहेगा तो वो एकदम खड़ा रहेगा एंड सामने के हेयर जब लॉन्ग उसके ऊपर से जाएगा तो फ्रंट एकदम वॉल्यूम आएगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना एंड देन आप एक परफेक्ट हेयर स्टाइल पा सकते हो आपके लुक्स वाइज। तो गाइस ये तो गया हेयर कट के बारे में, मतलब हेयर कट आपको कैसे करना है एक परफेक्ट हेयर स्टाइल पाने के लिए। तो अब आता है आपको हेयर स्टाइल कैसे करना है, हेयर को सेट कैसे करना है, आपके हेयर को परफेक्ट स्टाइल देने के लिए आपको हेयर स्टाइल कैसे बनाना है एंड कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए एंड कैसे शाइन देना है आपको हेयर पे। इस हेयर को स्टाइल करने के लिए ज्यादा देर तक सेट करने के लिए आप एक वैक्स यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं हेयर वैक्स यूज करता हूँ अपने हेयर को स्टाइल करने के लिए, हेयर को सेट करने के लिए, हेयर को वॉल्यूम देने के लिए। तो अभी तो जेल का हेयर जेल्स का जमाना गया तो अभी सारे लोग जो है हेयर वैक्स यूज करते हैं। मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ ज्यूक का हेयर वैक्स, तो ये काफी चीप भी है एंड अच्छा भी है, तो मैं यूज करता हूँ, इनका स्मेल भी बहुत अच्छा है। तो गाइस आप हेयर वैक्स से अपने हेयर को सेट करने के बाद आप लोग देख सकते हो हेयर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, बट इसमें साइन थोड़ा कम होता है। तो आपको क्या करना है हेयर सेट करने के बाद आपको हेयर सीरम लेना है, थोड़ा हेयर सीरम का कुछ ड्रॉप आप हाथों पे ले सकते हो, लेके देन अपने हेयर के ऊपर ऊपर से लगा देना है, देन आप देखोगे आपका हेयर बहुत ही ज़्यादा साइन करेगा एंड बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं ये भी ज्यूक का यूज़ करता हूँ हेयर सीरम,
तो आपको ज्यूक का हेयर सीरम या फिर वैक्स खरीदना है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेस कर सकते हो। तो बस ये थी कुछ टिप्स जिसको फॉलो करने के बाद आप एक परफेक्ट हेयर स्टाइल पा सकते हो आपके फेस के हिसाब से, आपके लुक्स के हिसाब से। एंड आपके हेयर स्टाइल जब अच्छे से बनेगा तो आपका लुक्स भी बहुत अलग हो जाएगा। आप वो तो आप खुद ही नोटिस कर पाओगे कि आपका हेयर स्टाइल जब अलग था तब आपका लुक्स पूरा अलग था, एंड जब आप हेयर स्टाइल को अपग्रेड करेंगे तो आपका ओवरऑल लुक्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा एंड आप बहुत ही स्मार्ट एंड हैंडसम दिखोगे। तो वैसे आई होप इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो एंड ऐसी ऑडियो वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।